जैसा कि हमने वादा किया था, हम हाजिर हैं फिर से लेकर जश्न की ये खूबसूरत सी रात। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए सभी परफॉर्मर्स के लिए। मैडम सर, आपको पता है कल से हमारे थाने में, कल से ही नहीं बल्कि 2-3 दिन से हमारे थाने में कंप्लेन ही नहीं आ रहा है। क्यों? कि थाने की जान आप और हम तो यहाँ है ना। तो मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हम यहीं रुक जाए क्या 1-2 दिन और ना, वो फालतू अजीब जो कंप्लेंट्स आती है ना उनसे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, हम इस शो के मेहमान हैं, अब शो वाले डिसाइड करेंगे ना कि हमें कब तक रुकना है, कब जाना है, हम कैसे तय करें। अरे मैडम सर, ऑर्डर तो दीजिए, थोड़ी देर में शो वाले भी बोलेंगे प्लीज रुक जाइए। क्या बात है। देखिए, हम जानते हैं कि आपका भौकाल जो है विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल आप थोड़ी सी ठंडी हो जाइए, क्योंकि हम स्टेज पर बुलाने वाले हैं इस शो की जान और पहचान को, अमित टंडन और उर्मिला मारतोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है अमित जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप। मतलब शादी वाले घर में लड़के के पिताजी जितने खुश लगते हैं उससे ज्यादा खुश लग रहे हैं आप कल से। नहीं नहीं, होना भी चाहिए, बनता है। अरे भाई, यहाँ तक की जर्नी इन्होंने ही तो पूरी की है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ये तो पूरी टीम का योगदान होता है, उसके साथ ही हो रहा है। बरोबर बोल रहा था ना भाग, पता है हमको ये सब तो कि पूरी टीम का योगदान होता है। हम जानबूझ के तारीफ कर रहे थे कि कल को थाना में बुलाए तो थोड़ा कम पैसों में तुम्हारे लिए स्टैंड अप कर दें आप। ये आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, ये तो आपके लिए फ्री में स्टैंड अप करेंगे। आप बस आपका पुलिस का डंडा दिखा दो इनको, देखो कैसे नाचते नाचते फिर स्टैंड अप करते। जी बिल्कुल, मैं कहां मेरी कहां मजाल, मैं मना करूं आपको, फिलहाल आप सीट लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू। वैसे राकेश भाई, हमने सुना है कि आप प्यार पे अच्छी कविताएं सुनाते हो। हाँ हाँ, वो तो है, है ना? है। बीवी अच्छी मिली है या पहले वाली प्यार में ही अभी तक डुबकियां लगा रहे हो? सर मैं क्या बताऊं कि कांटों के बगीचे में जैसे फ्लावर मिली है, बीवी तो हमें औकात के बाहर मिली है। लेकिन उसी के लिए लाते हैं फूल, डायमंड, कभी सब्जी कभी पपीता, लेकिन पहला प्यार भूले नहीं है, इसलिए लाए हैं ब्रेकअप वाली कविता। तो आज कविता सुनकर पब्लिक फिर से ठहाके लगाएगी। हाँ, और जल्दी जल्दी जाकर सुनाओ वरना पुलिस अपने तरीके से सुनवाएगी। तो जोरदार तालियां हो जाए राकेश तिवारी के लिए। अरे क्या बजाया, सबकी बजी पड़ी है, लेकिन जहाँ अच्छे सुर साज बज रहे हैं वो ये है कि एक्साइटेड कहिए, हैप्पी कहिए, एनलाइटेड कहिए, हम सब आज वो हो गए हैं, 1 से शुरू किया था आज 100 हो गए हैं। मैं सर, जो ब्रेकअप का जो दर्द होता है ना, नहीं आप क्या समझेंगे, शादी होगी। शादी वाले इंसान का क्या ही ब्रेकअप, मतलब आप रात को अगर सोनल मैम को कहकर सोए कि यार तुम नहीं समझ पा रही हो मुझे, आई एम सो स्ट्रेस्ड, अगले दिन नाश्ते में छोले कुलचे मिल गए, बंदे ने स्टोरी में फोटो डाल दी, शी मेड दिस फॉर मी, आई एम ब्लेस्ड। ब्रेकअप अलग चीज है सर, ब्रेकअप में जो है सब पागल आवारा दीवाना सभी हो जाते हैं, आधे शायर बनते हैं आधे कवि हो जाते हैं। मतलब ना कि हर ग्रुप में जो है कुछ बंदे होते हैं जो लेट्स गेट बैक वाला स्विच ऑन ही नहीं कर पाते। हम सब के दोस्तों के ग्रुप में एक ब्रो होता है, ये ब्रो वो लोग हैं जो मूव ऑन ही नहीं कर पाते। तो आज की कहानी कविता इन सब के लिए है कि आज सारे ब्रोज के सारे इमोशंस को कविताओं में मिलाकर लाए हैं। आज की कविता हम एक्स की फोटो सस्ते घासलेट में जला कर लाए हैं। जब धुआं निकलता है तो ऐसी लाइनें आती हैं कि कसमें वादे प्यार इरादे सब कुछ छोड़ कर चली गई, जब ब्रो का चेहरा तुम्हें बताए कि बेब्स दिल तोड़ कर चली गई। तब समझ लो कि जो नहीं होना था वो सब हो गया, कपल गोल्स का दी एंड हुआ, बेब्स और ब्रो का ब्रेकअप हो गया। असली कहानी अब शुरू होती है।
कि जब बर्गर फ्राइज चीज लोडेड पिज्जा को भी नहीं खाने का मन होता है तो ये अभी अभी हुए ब्रेकअप का स्टेज वन होता है। शुरू हुआ है, आग लग रही है कि जिसने कभी लगाई थी डीपी होगी प्यार की जीत, अब उसी जगह कह दी हुंदी सी का स्टेटस ऑन रिपीट। लगता है ब्रो पागल हो जाएगा दिल टूटने की फील से 15 सेकंड वाले हार्ट ब्रेक वीडियोस सैड वाले फिल्टर के साथ अपलोड होते हैं रील्स पे। और किसी को नहीं पता, किसी को आइडिया नहीं कि ब्रो का वजन कम क्यों होता है, पर इससे भी ज्यादा खतरनाक ब्रेकअप का स्टेज 2 होता है। अब खूनी खेल नंगा नाच शुरू होगा यहां से कि जब भाई जाता है सोलो ट्रिप पर दूर शहर के माहौल से, दिन शुरू होता है धुएं से, खत्म होता है अल्कोहल पे। ऐसा लगता है कि ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बन जाता है वो सस्ता डाउनलोडेड पायरेटेड कबीर सिंह। यू फील के इसको सुधारने का कोई आइडिया क्लिक तो हो, पर वो रात को जब ड्रंक डायल करके पूछता है, अनन्या तुम ठीक तो हो? अब रोते रोते तुम्हारा ये ब्रो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन 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 स्टेज 3 में ब्रो का सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। जिम में जाकर भाई अपने बॉडी का वियर एंड टियर करते हैं, और मैं यूपी बिहार से हूं तो सीधे यूपीएससी क्लियर करते हैं। भाई पढ़कर महफिल सजाएंगे, उसकी बारात में लाल बत्ती से जाएंगे। सो टू गिव हर अ मैसेज कि अब मैंने अपना चार्म किया है रिगेन, हर फोटो में 4 अलग बेब्स के साथ हैशटैग फाउंड लव अगेन। पर हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर रह जाता है फॉरएवर। ऐसी ही तो होती है ना हर ब्रो की एवरी ब्रेकअप स्टोरी एवर। बस मैं इसके बाद अपना सबर खो दूंगा, अमित जी आके संभाल लो वरना मैं रो दूंगा। लेकिन मिस्टर राकेश आई हैव टू टेल यू, बहुत अच्छी कविता थी, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू, दिस वाज लवली। पर क्योंकि हसीना मलिक भी थोड़ी सी शायराना है, तो क्या 2-4 पंक्तियां हम भी सुना दें? क्या बात, ठीक है। तो फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था। क्या बात, क्या सोच है। फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे पर वो मेरा ना था। क्या बात, हाय 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 हाय। वो की खुशबू की तरह फैला था 400, ओहो। वो की खुशबू की तरह फैला था 400, मैं उसे महसूस तो कर सकता था पर छू सकता ना था। दर्द यहाँ भी है, पता चल गया आपके अंदर की जो शायरा जगी है बात सीधे कलेजे पे लगी है। बस बस बहुत ठीक है। बट मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा इसके बदले में कि ये जो भूलने वाले का मामला होता है ना, कि वो जो हमें भूलने की फरियाद कर रहे हैं उन्हें बता दो वो भूलने के बहाने हमें याद कर रहे हैं। क्या बात, इससे पहले के दर्द बढ़े आप अपनी अपनी सीट लीजिए। अल्लाह तुम्हारा मुंबई बहुत खूबसूरत है, तो इसी को बोलते हैं सपनों की दुनिया, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हमारा दुबई से भी बहुत अच्छा है ये। हाँ घूमने आए हो, टूरिस्ट लगते हो? नहीं नहीं, हम दुबई का चीयर लीडर है। तुम्हारे यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है ना अभी भी, तो उसके चौके छक्के और विकेट पर हम नाच निकले आए हैं। कैसा बात करता है आदमी। थोड़ा नाराज से आप मालूम पड़ रहे हैं। वैसे आपने जो कपड़ा पहन रखा है काफी कंफर्टेबल मालूम होता है, ऐसा लग रहा है बिजनेस क्लास से एकदम चल के सामने आ रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। वल्ला तुम इतना गर्मी में ये कैसा पहनते है हबीबी? ऐसा लग रहा है कि एक हाथी चश्मा पहनकर अजगर लपेट कर घूम रहा है पूरे गांव में। कैसे चलेगा ऐसा हबीबी? एक पाउडर आता है ठंडा ठंडा महाकूल, उसको मैं नीचे रगड़ लेता हूँ।
और जब गर्मी होती है पसीने के बूंदे ठंडी होके एकदम छूती है मेरी टांगों को ना, ऐसा लगता है कूलर चल रहा है यार, मजा ही आ जाता। ओ, पाउडर बेचने वाला सेल्समैन लगता है तुम। देखो पाउडर वाउडर नहीं बेचता मैं आप जैसे अमीर लोगों को मुंबई दर्शन करवाता हूँ। तो एक काम करो, हमको बताओ यहाँ पे देखने के लिए क्या है, क्योंकि हम तुम्हारा शक्ल और नहीं देख सकते। देखो मुंबई में देखने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया है और खाने के लिए वड़ा पाव है। गेटवे ऑफ इंडिया मैं कल घुमा दूंगा, वड़ा पाव तो देखो मैं तुमको आज ही दे देता हूँ यार, बहुत बढ़िया चीज होती है वड़ा पाव। अरे खाओ यार, अभी भी इसमें बहुत तेल है अभी भी। इतना तेल हम जिस हवाई जहाज में उड़ के आ उसमें भी नहीं था। ये हमको नहीं चाहिए अभी भी, ये बहुत डेंजर है, तुम रख लो, ये नहीं चाहिए हमको। अबे तुम्हारे यहाँ तेल खत्म हो गया है जो मेरे वड़ा पाव से तेल निकालने चले आओ यार। सुना आपके यहाँ वहाँ जो बाथरूम है उसमें सब कुछ सोने का होता है? वाह बेशक। अरे हमारे घर पे 24 कैरेट का टॉयलेट है। यूज करते है? नहीं हबीबी, वो इन्वेस्टमेंट है। अरे खाली मेहमान ने बताड़वा माटे छे, ए वापराय नहीं, तने समझातू नथी। केवो मानस मने आप्यो छे। अरे गुजरात के शेख हो या दुबई के बे? वल्ला वो हमारा मुद्दा और फायदे पे डिपेंड करता। अच्छा एक बात और बताओ, वहां सुना है डेजर्ट में बेली डांसिंग बहुत ज्यादा होता है। होता है, बहुत होता है। अरे और वो देखे बगैर हमको रात को नींद नहीं आती। क्या बात है, लेकिन तुमको भी बेली बहुत है। पर हमको डांसिंग नहीं आता। अरे तुम्हारा बेली डांस देख के हमको खुद की नजर में गिरना भी नहीं आता। लेकिन सुनो, तुम आदमी थोड़ा अच्छा लगता है हमको, ठीक है? तो हम तुमको दुबई लेके जाएगा, उधर बुर्ज खलीफा दिखाएगा। और सुनो, रास्ते पर 10-20 वड़ा पाव पैक कर लेना। दुबई बहुत दूर है अभी भी। शेख साहब थोड़ा फाइनेंस कर दो, हम अगला सीजन दुबई में शूट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत आ गया। अमित जी, हाँ जी, एक बात बताइए ना। हाँ जी, सच बताइएगा। हाँ जी, नहीं, ये आपका पहला टीवी शो है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो टीवी में आने के बाद हाँ, आपके घर में इज्जत आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे नहीं, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत इज्जत मिल रही है। मतलब पहले मैं पोछा लगाता था तो मेरे को पंखा तक नहीं चलाने देती थी, आधा पोछा मैं अपने पसीने से लगा रहा होता था। अब एसी भी चलाने देती है, कहती काफी अच्छा। टीवी पे गंदे लगोगे, ढंग से लगाओ। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कई सालों से मैं टीवी कर रहा हूँ, पर ऐसी इज्जत और चरम सुख की प्राप्ति मुझे कभी नसीब नहीं हुई। जबकि लोगों को लगता है कि जो टीवी पे स्टार है वो घर पे भी है, जबकि नहीं 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 नहीं, इस बात पे मैं आपको बिल्कुल अग्री करती हूँ। और आपको लोगों को फर्क समझाना ही होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क क्या होता है। समझ गए ना? नहीं नहीं, आप प्लीज समझाइए। अच्छा मैं सम... प्लीज वेलकम एवरीबॉडी ऑन स्टेज, मिस्टर अली असगर। हेलो एंड वेलकम टू गुड नाइट इंडिया, मैं अली असगर, प्रोड्यूस बाय जो पैसा दे दे। ये बात, इंस्पेक्टर मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बस हमेशा शो में देखा आप, आज पहली बार जिंदा देख रहा हूँ, क्या बात है। क्या लगती है इतनी खूबसूरत, कसम से। हाँ अमित, इतनी खूबसूरत पुलिस वाली हो ना, तो क्रिमिनल खुद इनके पास जाए और पूछे मैडम बताइए ना ऐसा कौन सा क्राइम करूं जिसमें मुझे अरेस्ट करने में आपको मजा आए। एक वक्त था जब हम काम करते थे अमित, हाँ जी, तो हमारे काम को देखकर खुश होकर लोग हमारे फैंस बनते थे। हाँ जी। लेकिन आज फैंस बनने के और भी तरीके, काम कर रहे हो ठीक है, काम नहीं भी कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर काम नहीं कर रहे हो मालदीव जाओ, फोटोग्राफ निकालो, लोड करो सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स बन गए आपके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मालदीव नहीं जा सकता, मैं भी मालदीव जा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या बताऊँ, बिकनी में मैं बहुत बदसूरत लगूंगा यार। नहीं ऐसा, अमित तुम्हें इमेजिन कर लो, आग बंद करो, इमेजिन करो मैं बिकनी में हूँ। अजीब आदमी है यार, इसमें भी एंजॉय कर रही है।
लेकिन एक बात है, हाँ जी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रियल लाइफ में बंदा कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, रियल लाइफ में वो सिर्फ पति ही होता है। वरना आपको क्या लगता है, एक संडे आफ्टरनून को बच्चन साहब अपने घर के बाहर निकलकर फैंस को हेलो करते हैं? नहीं, वो दिन और वक्त मुकर्रर होता है जब वो बंगले से बाहर निकलकर पानी की टाकी साफ करते हैं। और इस बीच अगर फैन उन्हें देख लेते तो वो यूं कर लेते हैं। फैंस को नमस्कार नहीं कर रहे वो, दरअसल अपने आप को फैन से बचा रहे, कोई किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। इतना ही नहीं, एक बार मेरी मुलाकात आमिर खान साहब से हो गई, आई ला खाना वाना साथ में खाए, बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी फिल्म को 3-4 साल क्यों लग जाते हैं कंप्लीट होने के लिए, आप तो इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, फिल्म आपकी जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। बोलता है वो तो मैं जानबूझ के खींचता हूँ यार, ताकि घर में मुझे अपनी बीवी के हाथ का पकाया हुआ खाना खाना ना पड़े। चलो ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ आज मैं एक खास मकसद से आया हूँ। दरअसल जिस शो में मैं आज आया हूँ, गुड नाइट इंडिया, इस शो ने आज सेंचुरी मारा है। और इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए हमारे अमित टंडन के लिए और हमारी उर्मिला ताई के लिए और बाकी सारे परफॉर्मर्स के लिए भी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.